अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर्सर इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कर्सर इफेक्ट्स के बारे में, तो उसी वीडियो मैंने आपको कर्सर इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कर्सर इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। कि पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा था कि हम कर्सर के ऊपर किस तरह से इफेक्ट्स लगाते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो आपको कैमटेशिया के अंदर कर्सर इफेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे ट्रांजिशन में आप देख चुके हैं उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बिहेवियर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह आज हम देखने वाले हैं कर्सर इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कर्सर इफेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अपनी वीडियोस के अंदर यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मेरा कैमटेशिया स्टूडियो जो है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे मेरे पास वही जो हमारा टेस्ट क्लिप है वही यहाँ पे ओपन है। तो मैंने उसको ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे मीडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से वही हमारा जो कर्सर इफेक्ट्स का ऑप्शन जिसके शॉर्टकट की है यू, तो यू आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये पैनल ओपन हो चुका है। और मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया। वही जो तीन ऑप्शन आप पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरे प्रीवियस वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां जाके पहले वो देख सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पे कर्सर इफेक्ट्स, दूसरा लेफ्ट क्लिक एंड तीसरा राइट क्लिक इफेक्ट्स। तो यहाँ पे तीनों के बारे में हम देख लेंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनमें से कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे वो मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ किस तरह से हम करेंगे। सिंपली आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो उसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। जैसे यहाँ पे टाइम लाइन में देख सकते हैं मेरा जो क्लिप है वो यहाँ पे इम्पोर्टेड है, और उसके बाद यहाँ पे कर्सर हाईलाइट्स वाला जो एक इफेक्ट है येलो सर्कल वाला, इसको मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग करके मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे बड़ी जो प्रीव्यू विंडो है उसके अंदर देख सकते हैं जो मेरा कर्सर है उसके ऊपर येलो कलर का जो है वो एक इफेक्ट आ चुका है हाईलाइट का। तो अब तो ये आ चुका है, इसकी अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट साइड में आपको ये प्रॉपर्टीज इसकी दिख रही है, ये इसकी प्रॉपर्टी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ऊपर प्रॉपर्टीज में अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे ऑडियो, यानी यहाँ पे अगर आप क्लिक करें कर्सर रखें तो यहाँ पे दिख रहा है ऑडियो प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे वही आपकी जो अगर इसके ऊपर मैं कर्सर रखूं विजुअल प्रॉपर्टीज। विजुअल एंड ऑडियो प्रॉपर्टीज के बारे में आप देख चुके हैं। सिंपली आपकी वीडियो की अगर वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से ऑडियो प्रॉपर्टी के अंदर आके कर सकते हैं। अगर आपने वैसे इसका कोई वीडियो का स्केल अप डाउन करना है वो यहां से कर सकते हैं। ये तो दो हो गई। उसके बाद आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्सर इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज। तो वो है ये वाली, जैसे थर्ड आपको कर्सर का ये आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर मैं कर्सर रखूं तो यहाँ पे दिख रहा है कर्सर प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं। तो ये आज का हमारा टॉपिक, इसके बारे में आज हम देखने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या दिया हुआ है, स्केल। तो स्केल क्या होता है, जैसे मैं स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं तो आप यहाँ पे मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर देखिए यहाँ पे जो मेरा कर्सर है वो बड़ा हो रहा है। मैंने स्केल को और इंक्रीज किया तो यहाँ पे आप मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर जो मेरा कर्सर है वो बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। अगर मैं फुल कर दूं 500% तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर ये फुल बड़ा हो चुका है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे दी है 500%, इतना ही आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है इसकी प्रॉपर्टीज का। यानी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सिंपली इफेक्ट किस तरह से लगाना है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। यहाँ से भी आप अपनी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं और अपने कर्सर को अच्छा कर सकते हैं ताकि वो जो एक अच्छा इफेक्ट्स पड़े आपके व्यूअर्स के ऊपर। तो एक तो आप यहाँ से अपने कर्सर का स्केल बड़ा छोटा कर रहे हैं, जैसे पहले आपने यहाँ पे विजुअल प्रॉपर्टीज में देखा था कि हम अपनी वीडियो का स्केल किस तरह से बड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वीडियो का स्केल बड़ा नहीं कर रहे, यहाँ पे आप अपने कर्सर का स्केल बड़ा कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको कम किया तो आप यहाँ प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं मेरे कर्सर का जो स्केल है वो छोटा हो रहा है, और बिल्कुल छोटा यहाँ पे है। तो इसको आप बड़ा ही रखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो मैंने तो अभी तक यूज इसे नहीं किया, लेकिन आप इसे कर सकते हैं, काफी ये अच्छा इफेक्ट है। तो इसको आप बड़ा कर ले तो ये कुछ आपकी जो वीडियो है वो बेटर लगेगी। जैसे अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो किस तरह से ये बड़ा कर्सर दिखेगा। अभी मैंने इसके स्केल की वैल्यू 500% कर दी है, और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। तो आप देखिए मैंने स्पेस बार से प्ले किया, तो
आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर कर्सर जो है वो मेरा पूरी वीडियो के अंदर इतना ही उसका स्केल बढ़ चुका है जितना मैंने यहाँ पे पुट किया था। तो इस तरह से आप इस कर्सर को बढ़ा सकते हो। उसके बाद ये जो कर्सर की प्रॉपर्टीज है उसके अंदर दो चीजें यहाँ पे दी हुई है, ये नीचे एक स्केल, यहाँ पे अभी आपने स्केल देख लिया, स्केल क्या होता है, स्केल सिंपली आप अपने कर्सर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये आप इसको यूज करना चाहते कर सकते हैं, मैं इसको इतना रख रहा हूं। उसके बाद नीचे कर्सर की जो दी हुई है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी आप कितनी रखना चाह रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 100% रखें ताकि आपका कर्सर सही तरह दिखे। तो ये इसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, अगर आप इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको कम किया, आप देख सकते हैं मेरा कर्सर बिल्कुल धुंधला सा हो गया और ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको 100% रख रहा हूँ। यानी जैसे मैंने अभी इसको कम किया, बिल्कुल मेरा जो कर्सर का व्हाइट कलर है वो बिल्कुल लाइट लाइट होता हुआ बिल्कुल एंड पे आके खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप इसकी ओपेसिटी कर सकते हैं और यहाँ से स्केल को घटा बढ़ा के अपने कर्सर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक तो ये, उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज दी हुई है इसी प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे कर्सर हाईलाइट। कर्सर हाईलाइट क्या होती है, इसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे यहाँ पे कलर, ओपेसिटी, साइज, सॉफ्टनेस। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें दी गई हैं, उनको हम देखते हैं। अभी आप ऊपर देख रहे थे यहाँ पे स्केल ओपेसिटी, ये थी हमारी कर्सर की, यानी कर्सर का जो एरर है उसकी ये प्रॉपर्टीज थी। अब नीचे यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आ गई हैं कर्सर हाईलाइट्स, वो हम हाईलाइट्स की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। अभी हाईलाइट जो इसके ऊपर आ रही है, एक जैसे मैं यहाँ पे शुरू में करके दिखाऊं, ये यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं जो हमारे कर्सर के ऊपर एक येलो कलर का जो एक सर्कल आ रहा है, हाईलाइट आ रही है, उसकी अब हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो उसका यहाँ पे सबसे पहले तो कलर दिया गया है, ये आप अपनी मर्जी से कलर पिक कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। जैसे बाय डिफॉल्ट येलो होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आकर यहाँ पे येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कलर पिकर आ चुका है। यहां से मैं इजिली कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहां से ये रेड कर दिया या इस तरह से रेड किया और यहां से फुल रेड, यहां से ग्रीन, यहां से येलो, सॉरी ये ब्लू, पर्पल, यहाँ पे आप जो भी करना चाहें। जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल रख दिया और अभी आप देख सकते हैं पूरी वीडियो के अंदर मेरा जो ये कर्सर के ऊपर हाईलाइट है वो पर्पल दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हैं। अभी आपने ये याद रखना कि अभी आप अपने कर्सर जो एरो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी हाईलाइट की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। ऊपर आप कर्सर की कर रहे थे, अभी आप नीचे यहाँ पे हाईलाइट की कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ओपेसिटी दी गई है, बाय डिफॉल्ट 75 सिलेक्टेड होता है, तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ओपेसिटी का तो आपको सबको पता ही होगा कि किस ओपेसिटी क्या होती है, यानी कलर की जो ब्राइटनेस है यानी वो घटा देगा बिल्कुल। यानी जैसे मैं अगर इसको कम कर दूं इस तरह से तो बिल्कुल एंड पे आके ये जीरो हो रहा है और बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 100% किया तो बिल्कुल डार्क सा एक सर्कल दिख रहा है, सॉफ्ट यहाँ पे एक सॉलिड कलर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें सॉलिड कलर नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल थोड़ा ब्लर सा चाहिए और उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट रिजल्ट हमें चाहिए। उसके लिए आप इसको 75 ही रखें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसी को करें। अगर आप इसको घटाना बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी भी इस बॉक्स के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने 75 प्रेस करके एंटर किया, 75 ओके होगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे साइज दिया गया कि आप अपना जो हाईलाइट है उसका साइज कितना रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने हाईलाइट के साइज को बड़ा किया तो आप देख सकते हैं मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर बहुत बड़ी हाईलाइट हो चुकी है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा छोटा कर दूं तो यहाँ पे छोटी हो चुकी है, ये काफी अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को रख रहा हूँ। ये छोटा सा डॉट आगे बन गया इसका सर्कल, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से, इसका साइज अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दी गई है सॉफ्टनेस, इसको कितना आप सॉफ्ट रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने इसको, अगर मैं यहाँ से अगर इसका साइज बढ़ा दूं ताकि आपको इजीली सॉफ्टनेस का पता चल सके, तो मैं अब यहाँ से सॉफ्टनेस बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसके एजेस जो है राउंड एजेस वो बिल्कुल ब्लर से हो चुके हैं यहाँ पे और बिल्कुल ब्लरी से रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस तरह से इसकी सॉफ्टनेस जितनी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सॉफ्टनेस जो डिफॉल्ट दी गई है वही बेस्ट है, तो आप उसी को रहने दें। तो आई होप कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी किस तरह से हम कर्सर इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। और अभी मैंने कंट्रोल जेड किया तो मेरे ये इफेक्ट भी है वो भी हट चुका है। उसके बाद हम सेकेंड इफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कर्सर मैग्नीफाई। तो इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपका जो कोई क्वेश्चन है वो ना रहे।
तो मैं इस कर्सर मैग्नीफाई को भी क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी आप देखिए, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि कर्सर के इर्द गिर्द जो एक आउटलाइन है उसके अंदर जो भी हमारा पार्ट आएगा, पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसका क्या मतलब है, यानी इस एरिया के अंदर मेरे कर्सर के पास यानी कर्सर के नीचे जो भी वीडियो का पार्ट होगा वो जूम्ड दिखेगा, यानी हमारा मैग्नीफाई कर्सर बन जाएगा। अभी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं, सबसे पहले वही आपको स्केल एंड ओपेसिटी दी गई है। अगर आप प्रॉपर्टीज में देखें तो जैसे मैं स्केल को बढ़ाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्केल को क्लिक करके बढ़ाया, आप देख सकते हैं स्केल किस चीज का बढ़ रहा है, हमारे अंदर कर्सर का, यानी हमारा जो कर्सर है उसका स्केल बढ़ रहा है। जैसे मैं कंट्रोल जेड करूं और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो मेरा अंदर यानी एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है टेक्स्ट का, यानी यहाँ पे मैं गूगल सर्च बार के अंदर टाइप कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो ये जो एक टेक्स्ट का जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो बढ़ेगा यहाँ से अगर मैं स्केल बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने बढ़ाया तो आप देख सकते हैं इजीली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो एक टेक्स्ट के लिए ब्लिंक करता है कर्सर वो यहाँ पे बहुत बड़ा हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे ओपेसिटी दी गई है, वो भी इसी ब्लिंक करते हुए कर्सर की दी गई है। जैसे मैं इसको काम करता हूँ तो बिल्कुल हाई जो इसका कलर है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है और एंड पे आके बिल्कुल जीरो हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका स्केल बढ़ा सकते हो और ओपेसिटी। तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिए गए। आगे जो हमारे पास यहाँ पे कर्सर मैग्नीफाई का ऑप्शन है, यानी जो पार्ट हमारा जूम हो रहा है ऊपर जो एक ग्लास लग चुका है हमारे कर्सर के ऊपर, इफेक्ट ग्लास इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, वो लग चुका है। तो इसकी अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं यहाँ से इसका साइज बढ़ाता हूँ तो इतना साइज बढ़ चुका है। अभी आप देखें अगर मैं ये इफेक्ट हटा दूं तो गूगल जो है वो बहुत छोटा सा दिखेगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अभी आप देखें गूगल को वो जूम करके दिखा रहा है। अभी जहां पे मेरा ये कर्सर जाएगा वहां से मुझे जूम करके दिखाएगा। जैसे अभी आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिली कि बाकी जो वीडियो का पूरा पार्ट है वो बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है नॉर्मल साइज के अंदर, लेकिन जो कर्सर के इस बाउंड्री बॉक्स के अंदर आ रहा है यानी बाउंड्री जो सर्कल है उसके अंदर आ रहा है वो जूम्ड दिख रहा है बिल्कुल। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको घटाना बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे मैं इसका साइज और बढ़ा रहा हूं तो हमारे ग्लास का साइज बहुत बढ़ रहा है, और अगर इसको मैं कम करता हूं तो हमारे ग्लास का साइज छोटा हो रहा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद जूम, नीचे जूम का ऑप्शन दिया गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं जूम को बढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा जूम करेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं बाकी जो पार्ट है वीडियो के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल साइज के ऊपर है, लेकिन जो हमारा कर्सर के नीचे ओपन ब्रॉडकास्टर आ रहा है वो बहुत जूम करके दिखा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जूम करके दिखा रहा है। इसकी जूम ओपेसिटी जो है वो बहुत मैंने बढ़ा दी है यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो अभी ये इतना सा जूम कर रहा है, इसको आप जितना चाहें उतना यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि मुझे इतना ज्यादा जूम चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया शेडो, शेडो क्या है, शेडो को जैसे आप बढ़ाएंगे तो आपका जो ऊपर एक ब्लैक आउटलाइन आ रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पे व्हाइट पे दिखाऊं, अभी आप इजीली देख सकते हैं कि मेरे कर्सर के ऊपर जो एक ये जो मैग्नीफाई ग्लास लग चुका है इसके ऊपर जो एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही है ये हमारी बाउंड्री है, इसी के अंदर अंदर हमारा एरिया जूम दिखेगा, बाकी सारा नॉर्मल दिखेगा। तो ये बाउंड्री को आप मोटा पतला कर सकते हैं यहाँ पे शेडो के, यानी ये उसका शेडो है, इसको मैं अगर बढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा ये मोटी लाइन आ रही है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो इसी शेडो की जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाएगी घट जाएगी जितनी आप घटाना बढ़ाना चाहे, बाय डिफॉल्ट जीरो होती है अगर आप इसको बढ़ाना चाहे। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट इसके ऊपर एजेस जो है वो इसके आ रहे हैं, यानी ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है इसके सर्कल की। इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया और मैं ये इफेक्ट मिटा रहा हूँ, अभी ये मेरा इफेक्ट मिट चुका है और मेरी यहाँ पे कोई मैग्नीफाई कर्सर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड इफेक्ट यानी कर्सर स्पॉटलाइट, इसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो अभी ये हमारी वही स्पॉटलाइट लग चुकी है कि हमारा जहां जहां कर्सर जाएगा वहीं से सिर्फ वो बिल्कुल हमें ब्राइट और फुल ओपेसिटी दिखाएगा, बाकी पूरी वीडियो ब्लैक ब्लैक हो चुकी है, यानी हम इसी पर फोकस रखवाना चाह रहे हैं अपने व्यूवर्स का, यानी ये जो पार्ट है जहां भी मेरा कर्सर जाएगा वहां से वो ये सर्कल दिखाएगा, यानी उसी में ओपेसिटी फुल होगी बिल्कुल एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, और बाकी जो भी एरिया होगा वो हाइड होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो यहाँ पे वही आपके पास दिया हुआ है कि आपका जो इसी ये जो एक स्पॉट लाइट यहाँ पे लगी हुई है इसके अंदर जो आपका एक कर्सर है उसका स्केल कितना होगा। जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो अभी आपको इजिली यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो कर्सर है
इस वीडियो के अंदर कर्सर, ये वाला कर्सर नहीं, जो मेरा इस वीडियो के अंदर कर्सर है वो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अगर मैं इसको कम करूं तो वो कम हो चुका है। इस तरह यहाँ पे उसकी ओपेसिटी दी गई है मेरे कर्सर की, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कर्सर स्पॉटलाइट, तो स्पॉटलाइट का कलर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे स्पॉटलाइट का साइज है, जैसे मैं बढ़ाता हूं तो ये बिल्कुल बढ़ चुका है और स्पॉटलाइट मेरी बहुत कर्सर के दूर दूर तक जा रही है। तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे नीचे सॉफ्टनेस दी गई है, सॉफ्टनेस आप इसको सॉफ्ट जितना, जैसे मैंने बहुत ज्यादा किया तो बिल्कुल ब्लरी से आ रहे हैं और बिल्कुल ये इसके शार्प एजेस नहीं आ रहे, बिल्कुल ब्लर सा हो के एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे इफेक्ट लग गया। तो जैसे आपने देखा था ग्रेडियंट्स इलस्ट्रेटर के अंदर, तो ये ग्रेडियंट सा बन चुका है, जैसे ब्लैक ब्लैक और यहाँ पे फिर स्प्रेड होके व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से ये एक इफेक्ट दिया, इसको आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्टनेस अगर इसकी घटाना बढ़ाना चाहिए, जैसे मैंने कम की तो बिल्कुल सॉलिड रिजल्ट आ रहा है और बिल्कुल इसके एजेस जो है वो सॉलिड आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ये ठीक है, इतना या फिर इतना काफी है और इसका आप साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेचुरेशन दी गई है, तो सेचुरेशन को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सेचुरेशन यानी इंटेंसिटी, यानी इसकी आप इंटेंसिटी कर सर स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी कितनी रखना चाह रहे हैं, आप इसकी फुली रखें तो बेहतर है, ताकि सही से जो कुछ कर्सर के, पहली बात तो ये कि कर्सर के अंदर बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है। इस इफेक्ट को मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि हमें पूरी स्क्रीन दिखानी होती है और ये सिर्फ एक स्पॉटलाइट कर्सर के इर्द गिर्द लगाता है। तो सेचुरेशन ज्यादा रखेंगे ताकि आपका जो, अगर आप ये इफेक्ट यूज करते भी हैं तो आप सेचुरेशन जो है वो फुल रखें, ताकि जो दिखाए वो तो सही दिखाए। तो अगर इसको भी आप कम कर देंगे तो एक तो आपका दिख छोटा सा रहा होगा ये स्पॉटलाइट के अंदर अंदर, और फिर ऊपर से धुंधला भी हो जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसकी सेचुरेशन ज्यादा रखें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपकी इसकी ओपेसिटी दी गई है, ओपेसिटी आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसे कितनी आप स्पॉटलाइट लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने इसको बढ़ाया और अभी बिल्कुल जो यहाँ पे मेरा कर्सर था वहां पे बिल्कुल फुल व्हाइट दिख रहा है और यहाँ पे हाफ व्हाइट दिख रहा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कम किया तो पूरा बिल्कुल ब्लैक हो चुका और मेरा कर्सर जो था वही उसी के इर्द गिर्द एरिया जो है वो फुल दिख रहा है सही तरह। तो इसको आप सेट कर सकते हैं इस इफेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास ब्लर दिया हुआ है, जैसे मैं ब्लर को इंक्रीज करता हूँ तो कितना आपको ब्लरी चाहिए। जैसे अभी आपको यहाँ पे आई होप के दिख रहा होगा यहाँ पे जो ब्लैक अभी मेरा एरिया है, यानी कर्सर तो ऑब्वियसली वाइट ही होगा, यानी कर्सर के इर्द गिर्द वाइट है और जो एरिया हाइड हो चुका है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, वो कितना ज्यादा ब्लैक दिखेगा। जैसे उसके ऊपर ब्लर आना चाहिए या नहीं, यानी जैसे मैं अगर यहाँ से ब्लर लगाता हूँ तो अभी जो मेरा हाइड एरिया यानी ब्लैक एरिया उसको अगर आप देखें तो उसके ऊपर एक ब्लर सा लग चुका है और वो धुंधला धुंधला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये क्या बिल्कुल आप नहीं समझ पा रहे यहाँ पे। तो अगर आप ब्लर कम रखेंगे या जीरो कर देंगे तो दिखेगा लेकिन लो ओपेसिटी में दिखेगा, अगर ब्लर कर देंगे तो यानी आपने ब्लर कर दिया वो आप यानी नहीं दिखाना चाह रहे पार्ट जो कर्सर के अलावा है। तो आई होप कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज की तो समझ आ गई होगी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये जो हमारा लेफ्ट क्लिक इफेक्ट है। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल जेड कर दूं ताकि ये जो हमारी स्पॉट लाइट है ये हट जाए। लेफ्ट क्लिक की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, वही आप घटाना बढ़ाना चाहें। मैंने आपको एक में एक को यहाँ पे डिटेल में बता दिया, बाकी को आप खुद ही कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप इसको यूज करिए प्रैक्टिस के अंदर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद राइट क्लिक इफेक्ट है हमारे पास, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, जहां पे आपने राइट क्लिक की होगी वहां पे जो इफेक्ट दिखाएगा उसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं और उसके बाद यहाँ पे उसी आपका जो कर्सर है उसका स्केल वगैरह दिया हुआ है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूं, मैंने कंट्रोल जेड किया, वही आपको यहाँ पे वही कर्सर इफेक्ट जो है वो ब्लिंक करके दिखा रहा है। तो इसी के आप ओपेसिटी वगैरह और यहाँ पे स्केल साइज इंटेंसिटी एंड सेचुरेशन वगैरह यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इनमें से भी वही आपने इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके बाद क्लिप को आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।